दोस्तों सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देखिए। दोस्तों मेरा भतीजा का चैनल है, मैं खाना खा रहा था और इस चैनल को बनवाया। दोस्तों आप देखते जाइए, मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे रितिक पटेल 01, रितिक पटेल 01 दोस्तों हम सर्च किए। देखिए चैनल खुल के आ चुका है, इस पर सिर्फ एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा और उसके बाद देखिए अबाउट में हम चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 12 दिसंबर को यह चैनल बनाया गया है और 12 दिसंबर को चैनल बनाने के 2 से 3 मिनट बाद इस पर एक वीडियो अपलोड हुआ है मेरा भतीजा का, और मेरा भतीजा का वीडियो अपलोड हुआ है और मेरा भतीजा ही इस वीडियो पर टाइटल डाला है। मेरी तो बात छोड़िए, मेरा भतीजा ही इस वीडियो पर टाइटल डाला है और उसके बाद इस वीडियो को पब्लिश कर दिया। दोस्तों पब्लिश करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, मात्र 4 से 5 घंटा के अंदर में ही इस वीडियो पे 3000+ व्यूज आ गए। आखिर क्यों? बहुत सारे मेरे यूट्यूबर भाई हैं जिनका खुद का शॉर्ट चैनल नहीं है और वो चल जाते हैं आप लोगों को ज्ञान देने। उनका देखिए क्या, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो दूसरे का ले लेंगे, वहाँ पे आपको स्किन, आपको क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ पे स्किन चलते रहेगा और वहाँ पे व्यू बढ़ते रहेगा, दूसरे को कॉपी करके लगा देते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर चैनल नहीं बताते। मैं आपको चैनल भी बता देता हूँ, आप अभी भी सर्च कर सकते हो रितिक पटेल 01, आपको एक वीडियो उस पर दिखाई देगा और एक फ़ोटो भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपका भाई कभी भी सही जानकारी देने की कोशिश करता है और सही जानकारी ही दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक शॉर्ट क्रिएटर हूं। मेरे चैनल पे 5000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं और मैंने अपने चैनल को 1 महीने में 12 लाख से ज़्यादा व्यूज को क्रॉस किया है। मेरे वीडियोज के आप व्यूज को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए मेरा दूसरा चैनल आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 12 लाख से ज़्यादा इस चैनल पे व्यू है, तो आखिर मैंने कैसे किया? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा पोल खोल दूंगा, आखिर वो कौन सा ट्रिक है जिस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आपके भी शॉर्ट वीडियो 100% नहीं 1000% गारंटी आपका भाई लेता है, आपके भी शॉर्ट वीडियो वायरल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम सजना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, जिसका शॉर्ट चैनल होता है ना, वही आपको कोई चीज़ का ट्रिक दे सकता है शॉर्ट चैनल वायरल कैसे करें। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा, कुछ जो नए क्रिएटर जिनके देखिएगा 22,000-23,000 सब्सक्राइबर है, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर लगा देंगे और बोलते रहेंगे और बहुत मेरे भाई भ्रमित होकर उनके वीडियो के अनुसार करते हैं, जो कि ट्रिक बताते हैं बिल्कुल फेक ट्रिक बताते हैं। दोस्तों शॉर्ट वायरल करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़्यादा लोग जो बोलता है कि ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक, वैसा कुछ ट्रिक नहीं है। जो काम हम लॉन्ग चैनल पर करते हैं वही काम हमको सेम टू सेम शॉर्ट चैनल पर भी करना होता है। ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा कि आखिर वो कौन सा ट्रिक है इस वीडियो के अंदर, कि आखिर इस वीडियो को 4 से 5 घंटा के अंदर में 3000 व्यूज आ गया, वो भी 0 सब्सक्राइबर पे, और उस 3000 व्यू की वजह से 11 सब्सक्राइबर भी मिल गया। आप लाइव प्रूफ पहले देखे ही हैं तो वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ उस वीडियो की तरफ। दोस्तों फिर से हम आ गए रितिक पटेल 01 चैनल पर। दोस्तों इस चैनल में हम जाएंगे, सबसे पहले इस वीडियो को चलाएँगे। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, चला दिए, मेरा भतीजा इस वीडियो पे एक्टिंग कर रहा है और गांव के एक लड़का है एक्टिंग कर रहा है, कॉमेडी वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो के हम शेयर करके इसका लिंक कॉपी करते हैं, शेयर वाले ऑप्शन पे गए, वहां से लिंक को हम कॉपी कर लिए। लिंक कॉपी करने के बाद हम अपने एक YouTube टूल्स नाम का ऐप है मेरे मोबाइल में, उस ऐप में ले जाते हैं। आखिर कौन सा ट्रिक इस वीडियो पर लगाया गया है, आखिर कैसे नया चैनल पर 3000 व्यूज आ गया, चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं मिलियन व्यू आएंगे, लाखों व्यू आएंगे, अरे स्टार्टिंग में तो लाख व्यू ला के दिखाओ मेरे भाई, क्यों झूठ मेरे भाइयों को फंसाते हो। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ टाइटल डाला गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन भी 0 है और थोड़ा स्क्रॉल करके आपको टैग भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर एक भी टैग नहीं है।
बहुत सारे मेरे भाई हैं वो ज्ञान देते हैं कि टाइटल अच्छा लगाओगे तो आपका शॉर्ट वीडियो वायरल हो गया, अच्छा से डिस्क्रिप्शन रखना होगा, अच्छा से टैग लगाना होगा, तभी आपका चैनल वायरल होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यू कहे कि आपके शॉर्ट वीडियो को वायरल करने का अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई काम देता है तो वो देता है आपका टाइटल और आपका थंबनेल। एक नंबर में मैं तो थंबनेल को मारता हूँ और दो नंबर में टाइटल को मारता हूँ, और ये दोनों से भी बेटर करता है कंटेंट। ये दोनों से बेटर करता है कंटेंट, कंटेंट भी मायने रखता है। तो दोस्तों आपको बताता हूँ, दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि अच्छा से आप डिस्क्रिप्शन भर दीजिएगा, टैग बहुत लगा दीजिएगा, तो आपका शॉर्ट वायरल हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे नए भाई हैं, ऐसा तो नहीं है कि नए भाइयों के पास जानकारी नहीं होगा, आप लोगों के पास भी जानकारी होगा कि हम लॉन्ग वीडियो को सर्च करके देखते हैं। हम जितने भी लॉन्ग वीडियो आता है यूट्यूब पर उसको हम सर्च करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कॉमेडी में मनी मिराज का हमको वीडियो देखना है तो अभी बैंड बजा बारात 5 आया है तो हम सर्च करेंगे बैंड बजा बारात 5 और सर्च करके देख लेंगे। लेकिन अगर आपको अगर देखना होगा किसी शॉर्ट क्रिएटर का वीडियो तो आप कौन सा सर्च मारोगे? इतना सारा वीडियो चलाता है, अब क्या सर्च मारोगे जी आपका शॉर्ट वीडियो आएगा? नहीं आएगा ना, आपके मन के मुताबिक लॉन्ग आता है। तो दोस्तों ये बात कभी भी दिमाग में रखना है कि शॉर्ट वीडियो सर्च से नहीं आते हैं, ठीक है। भले ही अगर उससे मिलता जुलता आप टाइटल डाल दोगे तो आपका वीडियो लॉन्ग वीडियो के नीचे रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो को लोग शॉर्ट वीडियो के फीड से ही देखते हैं। क्योंकि आप अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड कीजिएगा तो आपको, चलिए मैं कुछ दिखा ही देता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं पुराना वाला चैनल पर, इस पर 78,000 के आसपास इस पर व्यूज है, चलिए इसको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं 90+, यानी कि 90% से प्लस वीडियो पर व्यू सिर्फ शॉर्ट फीड से आया है। तो आप देख सकते हैं इसका अधिकतर व्यू यानी कि 99% व्यू सिर्फ शॉर्ट फीड से ही आता है। तो आखिर शॉर्ट फीड में हम अपने वीडियो को भेजे कैसे? तो दोस्तों देखिए, शॉर्ट फीड में भेजने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्या करना है आपको, अच्छा वीडियो अगर डांस से रिलेटेड है तो डांस वाला, कॉमेडी से रिलेटेड है तो कॉमेडी वाला, अच्छा से वीडियो को बना लेना है। बना लेने के बाद आप अपलोड करने जाइएगा, उस टाइम में आपको एक माइंडसेट रखना है। ये माइंडसेट रखना है कि आपका ये जो वीडियो है इस पर किस प्रकार का टाइटल शूट करता है, ठीक है, किस प्रकार का टाइटल शूट करता है। मान लीजिए कि हम एक वीडियो बनाए बाप बेटा से रिलेटेड, तो हम पागल बेटा लिख दिए टाइटल और वीडियो को डाल दिए, ठीक है, डाल दिए और उसको प्रोसेस करके अपलोड कर दिए। लेकिन दोस्तों इसका गारंटी नहीं है कि हमारा वीडियो ये वायरल भी हो सकता है, वायरल ना भी हो सकता है, यानी कि 50-50 का बैलेंस है। 50% चांस है कि वायरल भी होगा, 50% चांस है कि वायरल ना होगा। मेरा ये भतीजा का वीडियो है, आप ध्यान से इसको देखिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शेक की तरह बना हुआ है और नीचे एक लड़का कॉपी निकाला हुआ है, कलम निकाला हुआ है, मामूली सा टाइटल है। ये टाइटल भी जो है वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, और इंग्लिश में ही टाइटल लिखा हुआ है। अगर हिंदी में लिखा हुआ रहता है टाइटल तो आदमी ज़्यादा आकर, जैसे दम है तो हंसी रोक के दिखाओ। मनी महाराज का जो शॉर्ट वीडियो बहुत लोग अपलोड करते हैं तो लिख देते हैं दम है तो हंसी रोक के दिखाओ, तो दिखाई देता है, तो लोग सोचते हैं अरे आखिर कौन सा वीडियो है, आखिर कितना इस वीडियो में हंसी है कि लोग लिख रहा है कि दम है तो हंसी रोक के दिखाओ। तो उसी प्रकार दोस्तों इसका टाइटल का कमाल नहीं है, क्योंकि टाइटल बढ़िया लिखा है, दुबई शेख कॉमेडी वीडियो लिखा है टाइटल, तो बढ़िया टाइटल है। लेकिन ये टाइटल इंग्लिश में होने की वजह से आदमी का ध्यान उतना नहीं जाता है, भले ही आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर हिंदी में आप लिख दोगे कोई चीज़ तो आदमी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उसके तरफ, ज़्यादा आदमी उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो इसका कमाल क्या है व्यूज का आपको बताता हूँ, सिर्फ दो ही काम है जिस वजह से इस वीडियो पर इतने सारे व्यूज 4 घंटे में आ गए। पहला नंबर इसका थंबनेल को आप ध्यान से देखिए, इस थंबनेल में ये भतीजा मेरा है शेख की तरह दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर बगल वाले बच्चा अपने धुन में एक कॉपी लिया है और एक कलम लिया है और नीचे सर करके उसको कुछ लिखने का एक्टिंग कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक तो ये छोटा सा बच्चा का वीडियो है, किसी के पास अगर ये वीडियो शॉर्ट फिल्म में जाएगा तो वो देखेगा कि दुबई शेख लिखा हुआ है और नीचे देखिए दुबई शेख जैसा बैठा हुआ है और बच्चा नीचे है। तो माने कुछ आप ध्यान से देखिए ना, कुछ अलग ढंग से इसका थंबनेल नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ अलग ढंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अलग ढंग से ही दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से इस वीडियो को लोग क्लिक किए होंगे। क्लिक करने के बाद इसका कंटेंट तो आपको पहले ही दिखा दिए हैं, कंटेंट अच्छा है। कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो लोग आपके वीडियोज के एक बार क्लिक करेंगे
फिर वो पूरा वॉच कर लेंगे, फिर से दोबारा वो वीडियो रिपीट हो गए होएगा, यानी कि दोबारा से वो चलेगा। तो क्या होगा, एक बार पूरा चल गया तो आपका 100% हुआ, दोबारा उस वीडियो को किसी ने देख लिया तो 110-120% हो गया, पूरा का पूरा देख लिया तो 200% भी हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए 3000 व्यू गया है, 3000 आदमी पूरा पूरा थोड़ा ही देखा होगा, कोई व्यक्ति 50% ही देखा होगा, कोई व्यक्ति 30% ही देखा, तो मैक्सिमम मिला के अगर आपका 15 सेकंड का वीडियो है और लोग 80% तक आपके वीडियोज को अगर वॉच कर रहे हैं, ऑडियो रिटेंशन 80% है, तो आपका वीडियो गारंटी के साथ आपका भाई बोलता है आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। दोस्तों एक और मेरा वीडियो है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आप ध्यान से समझिए, ये वीडियो में 4-5 लोग आपको दिखाई दे रहे होगा, सिंपल से आदमी है, इसका थंबनेल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरा खुद का वीडियो है, थंबनेल आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ वर्ड आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी टाइटल के वजह से वीडियो वायरल हो जाता है, तो कभी कभी थंबनेल के वजह से, ना तो टैग के वजह से वायरल होता है वीडियो और ना ही डिस्क्रिप्शन के वजह से, ये दो वजह से तो कभी आपका वीडियो वायरल होगा ही नहीं। जो बोलता है वो आपको बेवकूफ़ बनाता है, दूसरा कुछ नहीं। आपका शॉर्ट वीडियो दो ही कारण से वायरल होगा, एक आपका टाइटल के वजह से वायरल होगा और एक आपका थंबनेल के वजह से वायरल होगा। और ये दोनों को वायरल करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है आपका वीडियो का कंटेंट, अगर अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा, तभी ना ज़्यादा देर तक लोग देखेगा, ज़्यादा देर तक देखेगा तो ऑडियो रिटेंशन बढ़ेगा, तो आपका वीडियो और वायरल होगा। क्योंकि शॉर्ट फीड में वीडियो वायरल होता है तो एक बार ऐसे स्क्रोल करेगा 500, ऐसे स्क्रोल कीजिएगा 1200, ऐसे स्क्रोल कीजिएगा 1500 होते चला जाए। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, थंबनेल तो आपको बिल्कुल भी कोई खास नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन आप इसका टेक्स्ट को पढ़िए, इस पे लिखा हुआ है सांप ने काट लिया, श्याम सजना फनी वीडियो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सांप का मैं इमोजी भी लगा दिया हूँ, अब जो भी देखेगा वो कहेगा अरे सांप काट लिया है, तो लोग क्लिक करेंगे इस पे। अब फनी वीडियो है तो लोग सोचेंगे ये फनी वीडियो है, सांप काट लिया है, आखिर कैसा कंटेंट है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना टाइटल, तो लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपका वीडियो अगर वायरल नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, आपको ज़्यादा लोग के फेर में नहीं पड़ना है, आप अपना वीडियो बनाइएगा। अब तो सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि आप जब भी चाहोगे, आपको जैसा भी चाहोगे, आप थंबनेल सेलेक्ट कर पाओगे वीडियो प्रोसेसिंग के टाइम में, वो अपडेट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो वायरल करने के लिए मेरा बात ध्यान में रखिए, आपका भाई जो बात बता रहा हूँ है वो बात को ध्यान से सुनिए, ज़िंदगी में याद करके रखिएगा, किसी दूसरे यूट्यूबर के फिर में मत पड़िएगा, क्योंकि आपका भाई यहाँ से बोलता है, दिल से बोलता है, आपका भाई बता रहा है, सिर्फ आपको 3 ट्रिक लगाना है। आपका जो वीडियो है उस वीडियो के अनुसार आप टाइटल लिख लीजिएगा, ठीक है, टाइटल डाल दीजिएगा, और आपको वहाँ पे आप एक बार वीडियो अपलोड कर दीजिएगा अनलिस्टेड करके, देखिएगा थंबनेल अगर अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा सा अगर कट जाए, माने कि कटिंग हो जाए आपके वीडियो के पार्ट में से, थोड़ा सा 1 सेकंड आधा सेकंड कटिंग कर लीजिएगा, फिर अपलोड कीजिएगा तो अलग ही थंबनेल दिखाई देगा, ठीक है। ये काम करना है और आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। आपको 3 ट्रिक बता देता हूँ। पहला नंबर ट्रिक, आप कोशिश कीजिएगा ऐसा टाइटल डाले जो लोग आकर्षित हो जाए, ऐसा टाइटल, आप कभी भी लिखिएगा टाइटल शॉर्ट वीडियो में तो हिंदी में ही लिखिएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा, हिंदी में टाइटल लिख दीजिएगा। इंग्लिश में आपको लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ। आप अपना नाम, जैसे मेरा नाम श्याम सजना है तो मैं लिख दूंगा सांप ने काट लिया, श्याम सजना फनी वीडियो 2022, यही आपको सेम लिख देना है, ये लिख दीजिएगा सिंपल से आप, ठीक है। और एक दो हैशटैग है जो शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब लिख देना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अगर आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा नहीं है तो उसका मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूँ आपके वीडियो वायरल करने का। आपको वीडियो लगातार डालते रहना है अपने चैनल पे और कोशिश कीजिएगा कि कंटिन्यू बना रहे। आप 2 दिन भी अपने शॉर्ट चैनल से अगर इग्नोर कर दोगे तो आपके शॉर्ट चैनल पे व्यूज आना बंद हो जाएगा, आपका वीडियो उसके बाद वायरल नहीं होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर दूँ और आप अपने कंटेंट को लेकर आपके चैनल पे बने रहे। और जैसे ही आपका चैनल ग्रो होने लगेगा उसके बाद उस पर आप लॉन्ग वीडियो भी डालना चालू कर दीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका चैनल डेड नहीं होगा। नहीं तो शॉर्ट वीडियो पर आप चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दीजिएगा, शॉर्ट चैनल पर डेड हो जाएगा, फिर आप लॉन्ग वीडियो डालिएगा तो 1-2 व्यू आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाते जाते मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही YouTube से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। ज़्यादा क्या बोलूँ, जय हिंद।